बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैयर डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। ठीक है, अभी तक हमने डिस्पर्जन की डिफरेंट टाइप्स देखी। सबसे पहले हमने रेंज देखा, उसका एब्सोल्यूट देखा, उसका कोफिशिएंट देखा, यानी कि एब्सोल्यूट वो होता है जो सिंपल, और रिलेटिव वो होता है जो उसका कोफिशिएंट होता है। इस तरह से फिर हमने क्वार्टर डेविएशन देखा, उसका कोफिशिएंट देखा, फिर हमने मीन डेविएशन देखा, उसका कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं स्टैंडर्ड। अभी तक हमने अनग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा है। अब यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में, अब आपको पता है ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। अब जो है इसमें पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होने की वजह से फिर आपका फॉर्मूला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। मतलब होना फॉर्मूला भी वही होना, लेकिन बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज लार्ज, यानी कि जब वो कह रहे हैं डाटा लार्ज हो जाए, देन द डाटा आर ग्रुप इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है। इफ द क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस आर x1 x2। अब वो कह रहे हैं क्लास मार्क्स हो या फिर मिड पॉइंट जिनको हम कहते हैं वो, और उसके सामने उसके फ्रीक्वेंसी की बने, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डाटा का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको जब बताया था कि पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था जब आपने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना, तो आपको मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। जब आपने मोड और मीडियन कैलकुलेट करना है, उस वक्त आपको मैंने कहा था कि आपने जो है क्लास बाउंड्रीज और कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। अब जो बेसिकली जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तब आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन से मिलता होता है ना इसका फॉर्मूला। देखिए, जैसे हमने कल प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एस इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब जो समेशन एफ है ये अलग से मतलब वो कॉलम मल्टीप्लाई होगा फ्रीक्वेंसी का, एक्स माइनस एक्स बार का पहले कॉलम बनेगा। ठीक है, उसका स्केयर लेंगे, उसको साथ फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस कॉलम का सम करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास देखो मैं आपको बताऊँ, दोनों डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं, जिसमें आपने जो है या तो आप ये वाला डेविएशन वाला यूज कर लें, या आप ये यूज कर लें समीशन एफ एक्स। प्रीवियस जो हमने कल पढ़ा था उसमें था समीशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर था समीशन एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ, और ये था समीशन एक्स ओवर समीशन मतलब एन। अब देखो ये था बेसिकली फॉर्मूला, समीशन एन माइनस, या आप सिंपल इसको एक्स बार भी लिख सकते हो। अगर आपको मुश्किल लग रहा है याद करने में, तो आप एक्स बार का स्केल भी ले सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब देखो ये तो आपको पता है ना ग्रुप डाटा का एक्स बार ही होता है, इसको मैं लेट्स सपोज कहती हूँ कि एक्स बार ये मेरा यहाँ पे, इसको मैं एक्स बार कह देती हूँ। मिशन एफ एक्स स्केयर ओवर मिशन एफ माइनस एक्स बार का स्केयर, जितना से ये अनग्रुप का था सेम। यहाँ बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी, बाकी सारा फॉर्मूला जो है वो ही होगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे इजाफा, फ्रीक्वेंसी का इजाफा हुआ है। बाकी आपको पता है एन हमारे पास मिशन एफ के इक्वल होता है, और ये जो ये ग्रुप डाटा का एन ग्रुप डाटा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसका एक्स बार निकाल के यहाँ से माइनस करना होगा, उसका होल स्क्वेयर और इसका सी इसका स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, या तो आप डेविएशन के थ्रू निकालें, डेविएशन थ्रू कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, ये शॉर्टकट इस तरह से फॉर्मूला जो आता है मतलब जल्दी हो जाता है। अब नेक्स्ट डेविएशन मेथड जिसको हम कहते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी कहते हैं, डी वाला मेथड, सेम वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जहाँ पे एक्स था वहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, मिशन एफ डी स्क्वेयर ओवर मिशन एफ माइनस मिशन एफ डी ओवर मिशन एफ होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा शॉर्टकट या डेविएशन वाला मेथड। और अब इसको बताते हैं स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड यू वाला, उसमें क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे यू आ जाएगा, बस यहाँ पे सात बाई मल्टीप्लाई बाई एच होगा। ये देखना है आपने, याद रखना है अंडर रूट यहाँ तक जो है ये इसके बाहर है ये एच। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। अगर ये अंदर होता तो एज स्क्वेयर होता, अब ये बाहर है तो सिंपल एज है। ठीक है, ये चीज याद रखें, ये लोग आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो सिंपल एज, उससे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो आप ये बाहर यहाँ पे लिखने चले, तो वहां पर मुश्किल लग रहा हो, तो आप बाहर इसको एज यहाँ पे लिखने के, यहाँ पे एज आएगा बाहर, इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, ये हमारा जो है बेसिक डायरेक्ट मेथड के थ्रू है, ये हमारा है बेसिकली डेविएशन, और ये है कोडिंग मेथड। ठीक है, तीनों याद रख लेने हैं, एक्स वाला, यू वाला और डी वाला। अब एग्जाम्पल आती है हमारे पास द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम अनग्रुप को तो हमने केस कर लिए थे, अब ग्रुप का हमारे पास क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एट अ सर्टेन कॉलेज, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड आल्सो फाइंड इट्स रिलेटिव मेजर डिस्पर्जन। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया रिलेटिव मतलब उसके कोफिशिएंट भी फाइंड करने हैं, और दो मेथड से आपने इसको फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्लास मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। हमने देखो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखे तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। इन्होंने यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉर्मूला बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड क्या होगा, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन एफ, और यहाँ पे एक्स बार। अब चाहे तो आप ये फर्स्ट वाला ये वाला फॉर्मूला डेविएशन वाला यूज कर लें, या
आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला जो है, मैं वैसे आमतौर पर प्रेफर करती हूँ कि सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। ये सेकंड वाला फॉर्मूला आप लिखते हैं, ये आपने कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाला लिखे हैं, सेकंड वाला उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर रही हूँ, ये लिख लिया। और इसके बाद जो है हमें पता है, ये फॉर्मूला देखने के बाद हमें पता चला, सबसे पहले हमने एक्स बार को कैलकुलेट करना है। एक्स बार उन्होंने साइड पे निकाल लिया, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये हमारे पास 54.90 आ जाएगा। अगर आप दूसरा फॉर्मूला करते हो तो ये आपने एक्स बार कैलकुलेट कर लिया है, अब देखो आपका आधा काम हो गया। देखो दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक ये एक्स बार आपने आधी कैलकुलेट कर ली, ये वाले कॉलम में बस आपको दो निकालने पड़ेंगे। एफ का तो ऑलरेडी गिवन होता है, बस आपने एफ एक्स के कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। एक यहाँ पे कॉलम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको काफी कॉलम्स निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया सेकंड मेथड को प्रेफर करें, रिजल्ट दोनों से सेम आएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड को ही आपने प्रेफर करना। अच्छा अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सबसे पहले तो आपको पता है मार्क्स थे तो हमने मिड पॉइंट निकाल दिया, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे आते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई टू, इन दोनों को ऐड किया, टू पे डिवाइड किया, तो से हमारे पास मिड पॉइंट आता है। नेक्स्ट आपने एफ एक्स का कॉलम निकाला, एफ एक्स का कॉलम क्यों निकाला है, आपने मीन निकालने के लिए, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ करना है, ठीक है। ये सम हो जाएगा समीशन एफ एक्स और ये समीशन एफ, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ जाएगा 54.90। अब नेक्स्ट आपने डेविएशन वाला मेथड किया तो देखो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ, देखो उन्होंने यहाँ पे वाला कॉलम निकाल दिया, आपको ये तीन कॉलम्स नहीं निकालने पड़ेंगे, बस ये एक कॉलम निकालना पड़ेगा एफ एक्स स्क्वायर। आपने जब भी मेंशन हो या ना हो, आपने यही प्रेफर करना है कि एफ एक्स निकाला और उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर आया। अब एफ एक्स स्क्वायर कैसे आया, ये जो एफ एक्स निकला हुआ था हमारी सिर्फ स्क्वायर किस पे है, एक्स पे स्क्वायर है, एफ पे स्क्वायर नहीं है। तो आपने जो एफ एक्स कैलकुलेट किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, तो जो एफ है वो एक बार ही रहेगा, एक्स और एक्स मिलकर दोनों एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बार बार मैं बता रही हूँ, देखें क्या करना है आपने, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर किस पे है, एक्स पे स्क्वायर है। हमने क्या किया, एफ एक्स जो कैलकुलेट किया होगा उसको हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो बन जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ के ऊपर 1 ही और एक्स के ऊपर स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। तो हमने ये वाला कॉलम कैलकुलेट कर लिया। अब ये डेविएशन वाला मेथड मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, स्किप कर देंगे, लेंथी मेथड है। अच्छा अब ये एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब वो अगर बाउंड करेंगे तो वो अलग बात है, अदरवाइज आपने प्रेफर ये करना है। अब एफ एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, जैसे कि 49 उसका स्क्वायर ले लिया, 3 सॉरी स्क्वायर नहीं ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें आपस में उसको मल्टीप्लाई करते कि हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर कॉलम बन जाएगा। इसका सम निकाल लिया और यहाँ से हमने इन दोनों के सम यूज करना है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया आ जाएगा। उसका आप स्केयर ले लें तो वो हमारा वेरिएंस बन जाता है। नेक्स्ट उन्होंने दूसरा मेथड भी बताया था, डी वाला मेथड भी उन्होंने कुछ मेंशन किया, आप एक ही वैल्यू उन्होंने बताई नहीं। मैंने आपको बताया भाई, जब आपने मिड पॉइंट निकालने हैं, हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट है 7, जो हमारा मिडिल वाला मिड पॉइंट है उसको हमने कह देना, ये हमारा हम इसको ए यूज करेंगे एज अज्यूम्ड वैल्यू, या फिर आर्बिट्रेरी वैल्यू भी कह सकते हो ए को, ठीक है। अब ये 54.5 को हमने यूज किया, हर एक्स वैल्यू में से 54.5 को माइनस करते गए तो हमारे पास पहली वैल्यू 30 आ जाएगी, सेकंड में 20, इसमें से फोन हम करते गए। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ डी का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स है तो यहाँ पे एफ डी का बनेगा, डी वाले कॉलम को एफ के साथ मल्टीप्लाई करते गए तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ डी का, ठीक है। एफ डी स्केल के लिए क्या करेंगे, इस एफ डी वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एफ सिंगल रहेगा और जो डी है उसके ऊपर स्केयर बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ डी स्केयर आ जाएगा। इनके आपने सम निकाल देने। अब देखो सबसे पहले काम आपका होना चाहिए फॉर्मूला लिखने ऊपर, फिर उसके बाद आप रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे सारे कॉलम्स बना लें। ये तीन कॉलम्स जब आपके आप जिस वाला मेथड करोगे तो ये तीन कॉलम्स आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें से हमने ये जो है दोनों मेथड्स के थ्रू देखे थे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला, इसमें हमने देखे समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस ये एक्स बार का स्क्वायर, आप वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट की तो 13.56 आ गया। सेकेंड मेथड कोडिंग वाला डेविएशन वाला, इसमें उन्होंने कहा था कि डी वाला मेथड तो समीशन एफ डी स्क्वायर हमने जो कैलकुलेट किए थे ऊपर सम सारे सब्स्टिट्यूट किए, तो देखिए 13.56, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। जो भी मेथड अडोप्ट कर रहे हैं आप, रिजल्ट जो है सेम आना है, तो आप जो है सिंपल मेथड है उसको अडोप्ट करें बजाय इसके कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाए। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा है कोफिशियंट भी निकालें, हमने कोफिशियंट कैलकुलेट करें तो कोफिशियंट का क्या होगा, एस ओवर एक्स बार, ठीक है। एस ओवर एक्स बार करके हमने इसका कोफिशियंट भी कैलकुलेट कर लिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो इसी वाली वैल्यू को, तो ये हमारा बन जाता है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इसी रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। आपके पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन आया होता है, ये बन जाता है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। और सिंपल कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, बस ये दोनों वैल्यू होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार। ये हमने कल जब मीन डेविएशन पढ़ा था मैंने आपको बार बार बताया था, जिस चीज का आपने डेविएशन निकालना है वो ऊपर और नीचे
एक्स बार, जैसे कि आपने मीन डेविएशन एक्स बार से किया था तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, मीन डेविएशन मीडियन से किया था तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन का निकाले तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, इस तरह से आपने ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा अब ये आ जाता है हमारे पास कोफिशिएंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ देखते हैं, एग्जांपल 4.10 फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कोडिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि कोडिंग और स्टेप डेविएशन मेथड से आपने करना है। अब यहाँ पे आपके पास मिड पॉइंट्स गिवन और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपको ये पहले पता है कि आपके पास जो भी वो हो आपको है मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी मिड पॉइंट गिवन है, इसलिए आपको जरूरत ही नहीं कि क्लास बाउंड्री बनाए या क्लास लिमिट्स बनाए, जरूरत ही नहीं है आपको, मिड पॉइंट तो यूज करना है आपको फ्रीक्वेंसी। अब जब उन्होंने कह दिया कि आपने यूज करना है ये वाला मेथड कोडिंग वाला, तो हमें पता है कि हमने डी ओवर एच करते हैं ना हम, ठीक है, एक्स माइनस ए ओवर एच को हम डी ओवर एच भी कह सकते हैं, डी ओवर एच। अब सबसे पहले तो हमने इनको आपने सीक्वेंस में लिखे ना अरेंज करके, वैसे लिखे हुए हैं बेसिकली देखा जाए तो अरेंज करके लिखे हुए हैं, कभी कभी कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, तो आपने सेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। अच्छा अब यहाँ से हमारी मिडिल वैल्यू बन रही है ये वाली 55, इसको हमने कह दिया ये हमारी अज्यूम वैल्यू आर्बिट्रेरी वैल्यू है, तो हमने एक्स माइनस ए किया डिवाइड बाई एट, एच हमारे पास यहाँ पे देखिए इनके दरमियान में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, इसके दरमियान भी 5 का डिफरेंस है, तो हमारा इसका मतलब एच जो चल रहा है वो 5 है पूरी सारी जो है क्लासेस के दरमियान में, मिड पॉइंट के दरमियान में या क्लासेस के दरमियान में हमारा एच 5 हो जाएगा, और डी हमने निकालना एक्स माइनस ए करके, ए हमारे पास 55 हो गए, दोनों हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यू का फॉर्मूला लिखा, यू का फॉर्मूला आपको पता है यही होता है, यू इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखें एक्स माइनस ए ओवर एच भी कह सकते हैं उसको, या फिर हम कह सकते हैं डी ओवर एच। ठीक है, इस तरह से हमने जो है अपना ये फॉर्मूला लिख लिया। अब डी के लिए क्या लिखा मैंने आपको बताया, ए हमने लेना है मिडिल वैल्यू और एच हमारे पास 5 है, ये इतना से हमने यू निकाली। अब याद रखते हैं आपने बस ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं यू वाला यूज करें या डी वाला यूज करें, इसका मकसद ये होता है कि आपकी कैलकुलेशंस को आसान बनाना, कोई और मकसद नहीं है कि फॉर्मूला ये अपने कहाँ से आगे क्यों, इसका वजह क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान बनाता है। कैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू 40 थी, यहाँ पे वैल्यू 45 थी, बड़ी बड़ी वैल्यू थी, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ी बड़ी, जैसे 55 को 12 से मल्टीप्लाई करें कितनी बड़ी वैल्यू बनेगी, लेकिन जब आपने यू निकाल लिया तो आप देखेंगे छोटी छोटी सी वैल्यू -3 -2 1 हो जाएगा, और जब एफ यू निकालेंगे तो वो भी छोटी छोटी वैल्यूज होंगी, एफ यू निकालेंगे एफ यू स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी छोटा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से अगर आप डायरेक्ट एफ एक्स और एक्स स्क्वायर करते तो वो वैल्यूज बड़ी बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे जब पुराने मतलब जब ये स्टैट्स था तो ज्यादा कैलकुलेशन मुश्किल होने की उस वजह से उन्होंने यू और डी वाले मेथड कैलकुलेट किया ताकि आप आसानी से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें, रिजल्ट सेम ही आना। अच्छा यहाँ पे यू हो जाएगा, फिर आपने एफ यू कैलकुलेट करना है तो एफ और यू वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते गए, थ्री को इसके साथ इसके साथ इस तरह से ये एफ यू बन जाएगा। एफ यू स्केयर के लिए क्या करना है, जो एफ यू वाला कॉलम है इसको यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सिंगल बार ही रहेगी, यू हमारे पास डबल हो जाएगा, एफ यू का कॉलम हमारे पास एफ यू स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ ये गलती नहीं करनी कि आपने इसका स्केयर नहीं लेना, इसी कॉलम का स्केयर लेकर नहीं आना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यू पे स्केयर है, एफ पे सिंपल रहना है, तो एफ यू को मल्टीप्लाई किया हमने यू के साथ, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से एफ यू, और इसके सबके सम कैलकुलेट कर लिए रिक्वायर एफ एक्स का एफ यू का एफ यू स्केयर का, इन तीनों के सम हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमने फॉर्मूला लिखा अपना एस इक्वल टू एक्सप्रेशन, यहाँ पे यू आना है ये, ठीक है, एक्स गलती से लिखा हुआ है ये यू होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय एच बाहर हो जाएगा, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और वैसे भी बाकी सारी डेविएशन भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, डेविएशन नेगेटिव नहीं हो सकते। अब यहाँ से हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, एस इक्वल टू 7.03 आ जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डाटा का ही है, ठीक है, लेकिन इसको हमने यू वाले मेथड से किया, पीछे हमने क्वेश्चन में एक्स वाले मेथड से और डेविएशन वाले मेथड से किया, और यहाँ भी। अब वेरिएंस बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, वेरिएंस क्या है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आपने स्केयर कर लेना, बस वही फॉर्मूले सारे सारी कैलकुलेशंस वही है जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पढ़ी है, बस इसका स्केयर कर लेना। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्केयर ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम मीन, अब ये भी कह सकते हो या फिर ये दूसरा आसान, वेरिएंस इज डिफाइंड एज अ स्केयर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्या है स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर ले लें, उसको हम एस एस स्केयर से डिनोट करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन था उसको हम सिंपल एस से करते थे, इसको हम एस स्केयर से करेंगे क्योंकि ये हमारे पास स्केयर है, देखिए वही फॉर्मूला है एक्सप्रेशन एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन, बस यहाँ पे उसमें जब आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट आ जाता था, यहाँ पे अंडर रूट नहीं आना,
यहाँ पे जो सिंपल इतना से लेना है, इसके ऊपर तो सेयर आते रहो। ये दूसरा वाला मेथड हो गया जो मैंने आपको कहा था कि आपको यूज ये वाला करना है, रिवीजन के बजाय आप ये वाला जो आसान वाली चीज है इसको यूज करें। सिमिलरली यहाँ पे भी डी वाला मेथड आ जाएगा और ये यू वाला मेथड आ जाएगा। सारे हमारे पास अनग्रुप के हो गए केसेस, ग्रुप के केस में उन्होंने फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी। अब ठीक हमने मैंने कहा क्या है ये यूज करना है इसकी जगह पे, और ये तो वो मेंशन करेंगे ना डी वाला करें या यू वाला करें तो हम करेंगे, लेकिन इनमें से हम ये नीचे वाला यूज करेंगे। ठीक है, इसमें से भी हम ये नीचे वाला यूज फॉर्मूला करेंगे। ये आसान है, इसमें कॉलम्स की मतलब कम बनाने पड़ते हैं। ये हो गए हमारे पास स्टैंड वेरियंस, वेरियंस वही देखो फॉर्मूले हैं ग्रुप के अनग्रुप के, बस अनग्रुप नहीं है ऊपर, और स्केयर लिखना है आपने। अच्छा, अब हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वही मैंने आपको बताया था ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पेपर में बार बार रिपीट हुआ होता है ये क्वेश्चन। मतलब कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आप पास पेपर से आज जब आप इस टॉपिक को कर लेंगे इसके बाद आपने पास पेपर देखना है और आपसे देखेंगे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखो बेसिकली अगर मैं आपको कहती हूँ सेकंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर कहती हूँ ना करो, फोर्थ चैप्टर का स्टार्ट ना करो, तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में देखें आपके पास बेसिक चीज है एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास निकलेगा। ये सेकंड देखिए थर्ड और फोर्थ चैप्टर की बेस पे ही निकलता है, ये नहीं कि बस हमने डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है टॉपिक पढ़ लिया तो हमारे पास टॉपिक तैयार हो गया। टॉपिक तैयार कैसे होगा जब आपने ये हमारे थर्ड चैप्टर किया फोर्थ चैप्टर किया और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा कोफिशिएंट रिलेशन। अच्छा अभी है कि लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है रिलेटिव मेजर डिस्पर्शन का मतलब क्या है, जो कोफिशिएंट जिसमें यूनिट इन्वॉल्व नहीं होते, जो यूनिट लेस होते हैं। इस कोफिशिएंट वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन, द कोफिशिएंट वेरिएशन एक्सप्रेस स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ द थियोरेटिक मीन, इट इज नोटेड बाय सीवी। ठीक है, सीवी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इट इज यूज्ड कंपेयरिंग। अब ये देखो ये किस लिए यूज किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बात है। इट इज यूज इन कंपेयरिंग डिस्पर्शन ऑफ टू और मोर सीरीज, यानी कि जैसे कि हमारे मेरे पास दो डाटा सेट्स हों, जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास दो क्लासेस, एक क्लास के दो ग्रुप हैं, सीवी ए निकालती हूँ मैं, यानी कि पहले ग्रुप का मैं सीवी निकालती हूँ और दूसरे ग्रुप का सीवी निकालती हूँ। ठीक है, सीवी ए और सीवी बी मेरे पास दो डाटा सेट के मैंने कंपेयर करना है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं। आप यहाँ से देखने कंसिस्टेंट आपको पेपर में आ सकते हैं विच वेरिएबल इज मोर कंसिस्टेंट, दो वेरिएबल दे देंगे आपको ए और बी, दो मतलब डाटा सेट दे दिए और कह देंगे बता दें कौन सा वेरिएबल कंसिस्टेंट है। अब आपको ये मेंशन नहीं करेंगे कि आपने सीवी निकालना है, बस ये कह देंगे विच वेरिएबल इज मोर कंसिस्टेंट, आपने सीवी निकालना है ए का भी और बी का भी। फिर जो स्मॉलर वैल्यू ऑफ वेरिएशन इज कंसिडर टू बी मोर कंसिस्टेंट, जिसकी वैल्यू छोटी होगी सीवी की वो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आता है 17.9%, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 26.9%। ठीक है, दोनों का परसेंटेज में डाटा आना है क्योंकि मल्टीप्लाई में 100 करें। अब मैंने कहना है विच इज मोर कंसिस्टेंट, ये मोर कंसिस्टेंट है क्योंकि इसमें सीवी कम है, सीवी कम का मतलब क्या है कि इसमें वेरिएशन कम है, इसकी वैल्यूज क्लोज है, इसका सीवी बड़ा, इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें वेरिएशन ज्यादा है डाटा में, वेरिएशन डाटा में वेरिएशन ज्यादा है, वैल्यूज आपस में दूर दूर ज्यादा है, तो हमारा मोर कंसिस्टेंट कौन सा होगा, इसकी स्मॉलर वैल्यू होगी। स्मॉलर वैल्यू वाले को हम क्या कहेंगे, मोर कंसिस्टेंट। अगर ये बात दोबारा से नेक्स्ट एंगल से पूछ लें वो विच वेरिएबल इज हैव अ मोर वेरिएबिलिटी, ये चीज याद रखनी है, अगर वो पूछ लें कि किस वेरिएबल में मोर वेरिएबिलिटी है तो हमारे पास जो सीवी बी है इसमें मोर वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें सीवी की वैल्यू बड़ी है, तो किसकी है, तो सीवी की वैल्यू सेकंड वाले की बड़ी है। जब कंसिस्टेंसी के लिए पूछेंगे तो स्मॉल वैल्यू का देखना है, जब वेरिएबिलिटी देखेंगे तो जिसका सीवी बड़ा होगा वो मोर वेरिएबिलिटी होगी। दोबारा से बता रही हूँ, आपने अगर दो डाटा सेट्स से उनको कंपेयर करना हो क्वेश्चन में आ जाए विच वेरिएबल इज मोर कंसिस्टेंट, या फिर सेकंड ऑप्शन पूछ सकते हैं विच वेरिएबल हैव अ मोर वेरिएबिलिटी, सीवी जिसका छोटा, आपने सीवी ए निकाल लेना, सीवी बी दोनों डाटा सेट के सीवी निकाली, ग्रुप हो या अनग्रुप हो दोनों तरह से आपने क्या निकालना है, एस निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका सीवी निकलेगा ए का, बी के लिए भी सेम यही करना होगा। अब आपने बताना है मोर कंसिस्टेंट कौन सा है, जिसके सीवी की वैल्यू छोटी होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा, और सेकंड क्वेश्चन था कि मोर वेरिएबिलिटी, तो जिसका सीवी बड़ा होगा उसमें क्या होगी, मोर वेरिएबिलिटी होगी। ठीक है, जिसका सीवी बड़ा होगा वो उसमें मोर वेरिएबिलिटी, जिसका सीवी छोटा होगा उसमें मोर कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर होगा मजीद आपको। 4.1 एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द डाटा गिवन इन द एग्जाम्पल 4.9, ये तो एक ही मतलब उसका डाटा का निकालना है, जब दो डाटा सेट्स का आएगा तब आपने वो कंसिस्टेंसी चेक करनी होगी।
अच्छा, अब यहाँ पे एक्स बार गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सी भी निकालना है, बस एस और एक्स बार क्या मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे एस की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की मीन की मल्टीप्लाई पुट की और सब्सिट्यूट करके हमारे पास 24.7% आ गया। बस ये सिंपल आपने कर दे दिया। लेकिन जब दो डाटा सेट्स हो जाएंगे तब आपको जैसे कि ये देखेंगे, मैंने जो आपको कहा था दो डाटा सेट आ गए 4.12। इसलिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे सीवी का, मैंने अभी आपको बताया ना, द फॉलोइंग स्कोर्स आर मेड बाय टू बैट्समैन ए बी इन द सीरीज ऑफ इनिंग्स। अब आपके पास दो बैट्समैन है ए और बी। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बस दो डाटा सेट्स हैं, तो आपका ये अनग्रुप डाटा है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया ये क्वेश्चन, हु इज अ बेटर रनर। बेटर के लिए हमने एक्स बार यूज करना है, ये चीज भी याद रखें। बेटर रनर का मतलब है जिसके स्कोर ज्यादा है। ये देखो ए के स्कोर है, ये बी के स्कोर है। बेटर रनर का मतलब है कि ज्यादा अच्छा कौन भाग सकता है, जिसका मीन बड़ा होगा वो बेटर रनर होगा। हु इज मोर कंसिस्टेंट, जिसका सी वी छोटा होगा वो क्या होगा, मोर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, जिसका सी वी छोटा होगा वो मोर कंसिस्टेंट, और जिसका एक्स बार की वैल्यू जो है बड़ी होगी वो बेटर रनर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वो वेरिएबिलिटी के बजाय उन्होंने यहाँ पे इस तरह से पूछ लिया कि बेटर रनर को है, तो आपने ये एक्स बार के थ्रू बताना होगा, ये सीवी के थ्रू बताना होगा। अब क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में दोनों हमने लिख लिए, और मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है आपने उस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे करना है। ये आपने एक्स ए लिख लिया, ये एक्स बी निकाल लिया, एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया, जो दूसरा वाला एक्स था इसको वाई नाम भी दे सकते हो, या फिर एक्स ए कहा है तो इसको एक्स बी कह दिया हमने। यहाँ पे एक्स के इनके दोनों के स्केयर भी निकाले, स्केयर के कॉलम भी कैलकुलेट कर लिए, इनके सम्स भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अनग्रुप डाटा था, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, बस ये एक्स वैल्यूज एक ही, ये दूसरे की एक्स वैल्यूज, इनके हमने दोनों के सम और स्पेस कैलकुलेट कर दिए। अब आपने एक्स बार ए निकाला तो 58.5 आ गया, एक्स बार बी निकाला तो 42.5 आ गया। हमने पहले पार्ट का आंसर आप इसमें जो है इस तरह से डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में भी देना, दोनों की मीन तो निकाली, अब साथ आपने बताना भी है, इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को। प्लेयर ए इज अ बेटर रनर, बेटर बिकॉज इट मीन इज ग्रेटर देन द प्लेयर बी। अब वो कह रहे हैं देखिए इसका मीन बड़ा है, ठीक है 58.5, तो ये हमारे पास बेटर रन हो गया, ये ज्यादा स्कोर बनाता है। इसका 42.5 एवरेज है, तो ये इतना ज्यादा स्कोर नहीं बनाता, ज्यादा स्कोर ये बनाता है, इसलिए ये क्या है, बेटर रनर है। सेकंड हमने सीवी निकाला, अभी इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता दी, लेकिन हम पहले सीवी निकाल लें। सीवी क्या है हमारे पास, पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ए का निकाला, बी का ये फॉर्मूला समेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए, मतलब ये जो फॉर्मूला है वही है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एंड होल स्केयर। लेकिन बस आपने यहाँ पे ए के साथ करना है, ये बी के साथ, दोनों के हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएंगे, ये 43 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब इनके हमने कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्लेयर ए का स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई 100 करके 74 आ जाएगा, दूसरा 28 आ जाएगा। ठीक है, दोनों आ गए ना आपके पास 74 28। अब इसके उन्होंने पूछा कंसिस्टेंट कौन सा, तो मैं डिस्क्रिप्शन ये बताएंगे। वी फाइंड द सीवी ऑफ बोथ प्लेयर्स टू डिसाइड हु इज द मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। आर प्लेयर हैविंग स्मॉलर सीवी इज कंसीडर्ड टू बी मोर कंसिस्टेंट। जिसका सीवी छोटा होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे सीवी छोटा किसका है, सीवी छोटा बी का है, तो सीवी ऑफ प्लेयर बी इज स्मॉलर देन प्लेयर ए, यानी कि सीवी जो है ए बी का छोटा है एक यूनिट पर, तो हम कहेंगे प्लेयर बी इज मोर कंसिस्टेंट। जिसका सीवी छोटा होगा, मैंने बताया अभी आपको कि वो मोर कंसिस्टेंट होगा, उसकी वैल्यूज में इतनी वेरिएशन नहीं होगी। यहाँ तक ये हो जाएगा। इसके बाद 4.13 है, ये भी आई थिंक उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू सेट्स ऑफ डेटा आर गिवन बिलो, कंपेयर द वेरिएबिलिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए गर्ल्स क्या पूछ लिया, कंपेयर द वेरिएबिलिटी जो मैंने आपको कहा था, वेरिएबिलिटी भी पूछ सकते हैं। कंपेयर द वेरिएबिलिटी बाय कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है इस डेटा सेट का, और उसकी वेरिएबिलिटी के बारे में बताना है। जब वेरिएबिलिटी की बात होगी तो सीवी बड़ा जो होगा वो बताना होगा, यहाँ पे एन वन एन टू गिवन है, ये वाली वैल्यूज गिवन है और ये गिवन है। अब हमें पता है, मैंने आपको जब पढ़ाई थी मीन की प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था जब यहाँ पे ए गिवन होता है तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट कोई ना कोई गिवन होगा। लेकिन याद रखना, जब समीशन एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू कोई ना कोई गिवन होगी, तो यहाँ पे हमेशा जीरो रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये जीरो रिजल्ट नहीं है ना, इसमें जीरो है ना इसमें जीरो, इसका मतलब है यहाँ पे ये एक्स माइनस ए यानी कि आर्बिट्रेरी वैल्यू वाला गिवन है। एक्स बार गिवन होता तो यहाँ पे जीरो होता, तो ये जीरो नहीं है दोनों, इसका मतलब है ये सबमिशन डी गिवन है, ये भी सबमिशन डी, ये सबमिशन डी वन कह लो, ये सबमिशन डी टू कह लो, ये सबमिशन डी वन स्क्वेयर, ये सबमिशन डी टू स्क्वेयर, यानी कि आपको डी की फॉर्म में गिवन है। बस उन्होंने यहाँ पे स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया कि आपको समझ नहीं आ रही, हालांकि ये आपको डी की फॉर्म में गिवन है, सबमिशन डी वन, सबमिशन डी टू, सबमिशन डी वन स्क्वेयर, सबमिशन डी टू स्क्वेयर। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया अगले उसमें पार्ट में, सबमिशन डी वन स्क्वेयर, डी टू स्क्वेयर है, इसको डी कह। अगर ये सिंपल एक्स माइनस एक्स बार वाला होता तो ये जीरो होता, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये डी डी वाली वाली गिवन है। नेक्स्ट आपने इसका मीन कैलकुलेट करना है और
स्टैंड डेविएशन, फिर उसके बाद पोजीशन डेविएशन आएगा। हमने एक्स बार का फॉर्मूला लिखा, एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस मिशन डी वन ओवर एन, ये जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए एक्स बार के वो उसके थ्रू ये आ जाएगा 54.5। अब आपको पता है ना ए इसका पहले वाले का ए 50 है, दूसरे वाले का भी 50, दोनों के ए 50 50 है। नेक्स्ट आपने दोनों के स्टैंड डिविजन लिख लिए, मिशन डी वन स्क्वायर ओवर ये जो भी सारी कैलकुलेशन आपको मिली है, बस कैलकुलेट होके मिला, बस आपने सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में और देखो निकालना है, S1 निकाला S2 निकाला, दोनों के एस रिजल्ट आ गए, S1 S2 S1 S। अब हम पोजीशन वेरिएशन दोनों के निकाल लेते हैं। सी वी ऑफ वन S1 ओवर S1 मल्टीप्लाई बाय 100, S2 ओवर S2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रिजल्ट आया 99.3% इज 35.878%। अब हमें उन्होंने कहा है कि द सेकंड सेट ऑफ डाटा हैज स्मॉलर वेरिएबिलिटी देन द फर्स्ट, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो हम उस पर क्या होगा मोर वेरिएबिलिटी। यहाँ पर उन्होंने कह दिया सेकंड डाटा की वेरिएबिलिटी कम है, फर्स्ट डाटा की वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, वेरिएबिलिटी बतानी होगी तो आपने जिसका सीवी बड़ा होगा उसको बताना है कि इसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, कंसिस्टेंसी बताना होगा तो जिसका सीवी छोटा होगा वो बताना है कि इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है, इसमें वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है, इसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, इसमें कंसिस्टेंसी इतनी नहीं है। ठीक है, और बेटर के लिए पूछ लेते हैं, अगर वो बेटर परफॉर्मेंस के लिहाज से तो जिसका एक्स बार बड़ा है जैसे कि 54.8 ये बड़ा है तो हमने कह देना सेकंड वाला बेटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ये आता है 4.14, हमने स्टैंड डेविएशन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, डेविएशन मेथड से और कोडिंग मेथड, तीनों मेथड से फाइंड करना है और आपको ग्रुप डाटा चाहिए। आज हमने ये वाला टॉपिक किया ना क्वेश्चन एक्सरसाइज जो बुक से, आपको ये गिवन है, क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद जो है आपने एफ एक्स का कॉलम बना लिया, एफ एक्स लिया, देखो यहाँ पे उन्होंने सिंपल वाला मेथड ही किया, उन्होंने डेविएशन वाला मेथड नहीं किया कि आपको ज्यादा कॉलम ना बनाने पड़े। एक एफ एक्स बना लिया, एफ एक्स स्क्वायर हो गया, डी वाला कॉलम निकाले, डी कैसे निकालना है वही मैंने बताया था, मिडिल वैल्यू जैसे कि हमारी यहाँ पे आ रही है, इन्होंने यहाँ पर इन दोनों का मिडिल ले लिया। ठीक है, आपने बेसिकली ये 27 वैल्यू ले, इसके साथ भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये आपने डी निकाल लिया, एफ डी हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर हो जाएगा, यू एफ यू एफ यू स्क्वायर। ठीक है, यू के लिए क्या करना होगा, ये जो आपने डी निकाला हुआ जस्ट सिंपल इसको एच से डिवाइड कर देंगे, एच हमारा यहाँ पे 5 5 चल रहा है ना, तो हम करेंगे जैसे कि 15 आया, 15 को 5 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, 15 को 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। इस तरह से बस आपने डी यू कैसे निकालना है, डी ओवर एच करके, ये आपको यू भी आ जाएगा, डी भी आ गया, एक्स की सारी भी आ गई। अब हम इसको अपने जो है फॉर्मूले यहाँ पे सारे हमें सम फाइंड करेंगे। अब सारे जो है स्टैंड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड ये फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो सॉल्व कर लिया, स्टैंड डेविएशन बाय डेविएशन मेथड फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो इसको सॉल्व कर लिया, कोडिंग मेथड में भी सेम ये किया कि हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 4.15 कंप्यूट स्टैंड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट वेरिएशन। अब यहां पे कोएफिशिएंट वेरिएशन निकालना है, स्टैंड डेविएशन आपको मिड पॉइंट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने क्या किया fx और fx स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये देखो ये वाला मेथड ज्यादा आसान है, इसलिए इन्होंने की बुक वालों ने भी जो है मतलब ये सोल्यूशन में भी यही आपका गलत है, तो आपने ये कर लिया और इसको आपने इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंड डेविएशन, एक्स बार भी कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमारे पास सीवी आ जाएगा। याद रखना है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो कोफिशिएंट वेरिएशन बन जाता है, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंड डेविएशन ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है 4.16 क्लासेस गिवन फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे भी उन्होंने कोफिशिएंट वेरिएशन ही मांगा होगा, तो आपने मिड पॉइंट निकाला सबसे पहले, एफ एक्स निकाला, एफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से एक्स बार का रिजल्ट आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा सेम वही फॉर्मूले से, और सीवी का रिजल्ट आ जाएगा, सीवी का रिजल्ट 6.11% आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं क्योंकि एक ही है सिंगल। नेक्स्ट 4.17 में भी ये सेम हमने एग्जांपल में भी देखा था, एन गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स बार कैलकुलेट कर लिया 32, स्टैंड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया 3.22 6.32 आ जाएगा कोफिशिएंट स्टैंड डेविएशन। अब यहाँ पे यूज याद रखना है वेरियस यूज नहीं करते हम, यूज स्टैंड डेविएशन ही करते हैं, एस ओवर एक्स बार करते हैं, कभी भी एस स्क्वायर नहीं करेंगे, एस ओवर एक्स बार के मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंड डेविएशन कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट में कोफिशिएंट वेरिएशन नहीं, कोफिशिएंट वेरिएशन कैलकुलेट करना तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इसी रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट स्टैंड डेविएशन वेरीफाई द रिजल्ट प्रॉपर्टीज। अब आपने यहाँ पे मीन और स्टैंड डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे, जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने अभी नहीं पढ़े हैं, उसकी उसको उसको हमें देखते, बाकी आपने इसको कर लेना। नेक्स्ट कोई देखने कोई अगर है रिलेटेड तो ठीक है, अदरवाइज कंपाइंड ये भी अभी आपने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 4.20 हु इज अ बेटर एज रनर और हु इज मोर कंसिस्टेंट। अब आपको बस ए का डाटा गिवन है, बी का, मुझे लगता है शायद मे बी एग्जाम्पल के एग्जाम्पल का डाटा ही ना हो, देख लीजिएगा। आपने एक बार ए निकाला, एक बार बी निकाला, स्टैंड डेविएशन ए का निकाला 47.72 आ जाएगा, 40 एस बी निकाला वो 40.3 आ जाएगा, डाटा चेंज है वो नहीं है। सी
सीवी ए निकाला, सीवी बी निकाला, फिर 83.87, फिर 75। अब बेटर हमारे पास रनर कौन है जिसका सीवी एक्स बार बड़ा है? हमारे पास एक्स बार ए वाला बेटर रनर है, और जिसका सीवी छोटा है वो हमारे पास क्या है, मोर कंसिस्टेंट है। बैट्समैन ए इज अ बेटर रनर बिकॉज इट्स मीन इज ग्रेटर। बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर बिकॉज सीवी ऑफ फॉर बैट्समैन बी इज लेस देन द बैट्समैन और ए। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा। अगला, ये भी हमने एग्जाम्पल में इस तरह से देखा था, एंड ए एंड बी गिवन है, एक्स बार ए एक्स बार बी गिवन है, सी एस बी गिवन है दोनों के। अब उन्होंने कहा है बताएं इसमें बेटर रनर कौन है, तो हमें कौन, हम पता है ये जिसका एक्स बार बड़ा है, फ्रॉम बी पेस लार्जर अमाउंट एज डेली वेजेस बिकॉज मिशन एक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्स, या मिशन एक्स भी कह सकते हो, या एक्स बार इसका बड़ा है तो उसके लिहाज से आपने कह दिया। सीवी निकाला ए का और बी का, और हमने यहाँ पे क्या देखना है, सिंस सीवी फॉर फ्रॉम ए इज ग्रेटर देन सीवी ऑफ फॉर फ्रॉम बी, सो फ्रॉम ए इज हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। यहाँ पे वेरिएबिलिटी पूछी थी, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, कंसिस्टेंसी जिससे छोटी होगी वो बताना है, वेरिएबिलिटी जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो बताना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे देखो पूछा विच टीम शुड बी कंसिडर्ड एज अ मोर कंसिस्टेंट। यहाँ पे आपको एक्स गिवन है, टीम ए का फ्रीक्वेंसी गिवन है, टीम बी की फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपने जो है यहाँ पे पहले जो एक्स के लिए कर लेना है कॉलम्स निकाल लेने हैं, एक्स का कॉलम क्या किया एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट बी वाले के लिए निकाल लिया एफ एक्स और एफ बी, दोनों के जब ये कॉलम्स कर लेंगे उसके बाद इन दोनों की मीन कैलकुलेट करेंगे, और दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल सिंगल सिंगल कैलकुलेट करके टीम ए का, और उसके बाद टीम ए का आपने ये कोएफिशिएंट डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, या आ जाएगा 123.84, फिर टीम बी का कैलकुलेट कर लिया 107.47। अब आपने सीवी जिसका जो है, सीवी बी का जो छोटा है, तो हमने कह दिया वो टीम हमारे पास मोर कंसिस्टेंट है, और अगर वेरिएबिलिटी पूछी होती तो हमने कह देना था टीम ए की वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जहाँ तक आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, आपने ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेने हैं, और एनी क्वेश्चन कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। 4.22 तक जो दरमियान में मैंने दो क्वेश्चन स्किप करवाए हैं प्रॉपर्टीज वाले, वो बाद में करेंगे। 4.22 तक आपने क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लेना है।